हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम निकले हैं फिर से एक शूट के लिए। तो शूट से जाने से पहले हमने देखा कि हमारी जो बाइक की चेन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी। हमारे पास लुब्रिकेंट उसका पहले से ही रखा हुआ था, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी उसको लुब्रिकेंट से जो है वॉश किया था। तो अभी फिर से हम इसको वॉश करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट बाइक पर लगी हुई है। काफ़ी दिनों से हमने इसको वॉश नहीं कराया है। तो पहले कुछ शूट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और फिर हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी है। हम क्या कर रहे हो? शूट करते करते हमें छोड़ दे उसको, हमने अपने कैमरे में शूट कर लिया। छोड़ दे, नहीं छोड़े। तो गाइस, शूट फाइनली हो गया पूरा और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। तो अब हम जाएंगे किसी मैकेनिक के पास, वहाँ पर बाइक को लगाकर फिर उसका जो चेन है उसको क्लीन कराएंगे और लुब्रिकेंट उस पर लगाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं और इस काम को कराते हैं। आई थिंक सेकेंड सर्विस के बाद अभी तक चेन क्लीन नहीं हुई थी, और सेकेंड सर्विस को भी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। तो मुझे ये भी चेक करना है कि इसकी जो थर्ड सर्विस है वो कब होगी। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो होपफुली इन नेक्स्ट कमिंग डेज मैं वो चेक करूँगा। और अगर सर्विस की डेट आने वाली होगी तो इसकी सर्विस भी हम कराएंगे। हमने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, अचानक से मेरी आँख में कुछ कीड़ा आ गया, तो हमने उसको बाइक रोकी और चेक किया तो कुछ ऐसा आँख में दिखा नहीं। तो हमने फिर से अपनी राइड को कंटिन्यू किया। जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहाँ से करीब में ही एक मैकेनिक की शॉप है। अब वहाँ पहुँचने वाले हैं, देखते हैं अगर यहाँ पर पॉसिबल होता है तो इस काम को हम यहीं कराते हैं। अदरवाइज़ हमारे घर के पास में भी एक मैकेनिक है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर ट्रैफिक होने की वजह से बाइक लगाने की प्रॉब्लम रहेगी और काम हमारा जो है वो तसल्ली से नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, आई थिंक वो शॉप यहीं कहीं पर है। शायद ये शॉप है वो। तो ये एक मैकेनिक है शेर खान, जो कि ओखला नई बस्ती में है। अगर आपको कोई भी बाइक से रिलेटेड काम कराना हो तो यहाँ पर आप करा सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये इनकी सर्विस है, काफ़ी अच्छे मैकेनिक हैं। वहाँ पे जो लड़के बैठे हुए थे हमने उनसे कंफर्म किया कि शेर खान जो मेन इनका मैकेनिक है वो है या नहीं, तो वो वहाँ पर उस टाइम पर मौजूद नहीं थे और ट्रैफिक की वजह से हमने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। तो हम फिर से निकल पड़े हैं अपने घर की साइड, क्योंकि वहाँ पर जो मैकेनिक है वहीं पर हम बाइक को लगाएंगे और इस काम को कराएंगे। तो क्योंकि ये ऑफिस टाइमिंग्स हैं, आई थिंक टाइम हो रहा होगा अराउंड 7:30 और 8 PM, तो इस टाइम पे ट्रैफिक काफ़ी रहता है और यहाँ पर बाइक लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नैरो रोड है। यहीं से ही सारी बसेस, कार्स और बाइक्स वगैरह क्रॉस करती हैं, तो उसकी वजह से अगर हम बाइक लगाकर वहाँ पर काम कराएंगे तो लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हमने वहाँ पर लगाना बेहतर नहीं समझा। तो अगर ट्रैफिक को देखें तो ट्रैफिक
काफ़ी ज़्यादा है और हमें घर पहुंचने में लग जाएंगे अराउंड 15 to 20 मिनट्स। और वो मैकेनिक शायद काफ़ी लेट तक खोलते हैं अपनी शॉप को, तो टाइम का कोई इशू नहीं है, जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं और इस काम को कराने की कोशिश करते हैं। साथ में मेरा एक फ्रेंड भी है, उसको कुछ अभी शायद परचेज भी करना है आश्रम से, तो पहले हम जाएंगे आश्रम और वहाँ से जो उसको लेना है वो लेकर फिर हम जाएंगे उस मैकेनिक के पास। सो गाइस, फाइनली आश्रम से काम निपटाने के बाद अब हम आ गए हैं जाकिर नगर, जा रहे हैं सीधा उस मैकेनिक की शॉप पर और वहाँ पर जाकर इस काम को फिनिश करते हैं। हमने मैकेनिक को बाइक दिखाई, उन्होंने कहा पहले इसको वॉश करा लीजिए अच्छे से, क्योंकि जो इसकी चेन है उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होगी और अगर आप ऐसे ही लुब्रिकेंट लगाते हैं तो डस्ट इंजन के अंदर जाएगी और प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले इसको कराते हैं बढ़िया से वॉश और फिर इसको करेंगे हम क्लीन। सो गाइस, बाइक करा ली हमने वॉश और आ गए वापस मैकेनिक की शॉप पर, तो अभी जल्दी से इसको करते हैं लुब्रिकेंट से क्लीन, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, इसको करते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं घर के लिए।
एरोसोल चेंज लुब्रिकेंट हमने यूज़ किया है, क्योंकि अभी एक बार और चल जाएगा, एक बार इससे पहले भी कर चुके हैं और अभी इसमें काफ़ी लुब्रिकेंट है जो कि हम एक बार और यूज़ कर सकते हैं, तो इसको रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे। तो बाइक हो गई है अपनी ओके, तो अभी चलते हैं वापस घर और इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।